आज हम बात करते हैं इरोटोमैनिया के बारे में। इरोटोमैनिया यह ऐसी बीमारी है कि जिसमें व्यक्ति को विचारों का भ्रम होता है, डेल्यूजन होता है। डेल्यूजनल कन्विक्शन मतलब वो पूरा पक्का उसके दिमाग में है विचार वो, और वो भ्रम है, मगर वो सत्य नहीं है। क्या भ्रम होता है, कौन सा डेल्यूजन है उसको? डेल्यूजन ये लगता है कि कोई एक खड़ा व्यक्ति जो बड़े स्टेटस का है, बहुत बड़ा वेल नोन है, उससे हायर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस का होगा, तो वो ये व्यक्ति के प्यार में है और उसको कुछ भी बताया, उसके बारे में क्रॉस किया तो वो उसको चलता नहीं है। ये व्यक्ति बताएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई वो व्यक्ति मेरे प्यार में है, तो वो कैसा प्यार में उसके वो पुष्टि भी करेगा, उसका जस्टिफाई भी करेगा, उसका समर्थन करेगा कि वो कैसा प्यार में है और वो किस तरह से ऐसा क्यों बोल रहा है। यूजली ये जो लोग रहते हैं, जो पेशेंट रहते हैं, तो ये लोनली रहते हैं, अकेले। फिर इनके इमोशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नीचे ऐसे नहीं होते रहते, ऐसे थोड़े से एपेथेटिक रहते हैं। विड्रॉन मतलब अकेले रहना पसंद करेंगे, यूजली लोनली, अकेले अकेले उनको अकेलापन महसूस होता है, अकेले रहते हैं, मिलना जुलना नहीं है, इमोशंस ज़्यादा डाउन नीचे होते नहीं हैं, और उनको पूरा कन्विक्शन है कि भाई ये व्यक्ति जो है बड़ा वो मेरे प्यार में है, और कोई भी तरह का उसको इलाज, कोई भी तरह का उनको क्रॉस किया तो उनको चलता नहीं है। अभी ये जो है इरोटोमैनिया इसको बोलते हैं, ये स्किज़ोफ्रेनिया में दिखाई देता है, मूड डिसऑर्डर में दिखाई देता है, और ये जो लक्षण है ये कोई भी मानसिक बीमारी का लक्षण हो सकता है, और या फिर ये सिर्फ एक सिंगल डिल्यूजन हो सकता है कि जिसमें उसको इतना ही डिल्यूजन है और बाकी कुछ भी नहीं है। मगर इससे होता क्या है, इससे उसका रोजमर्रा की जिंदगी में उसको फर्क होता है, वो हैम्पर होता है, काम धंधा हैम्पर होता है, सोशल कॉन्टैक्ट हैम्पर होते हैं, वो अपने दिमाग में रहता है कि वो आदमी प्यार में आ जाएगा, एक दिन मेरे शादी करेगा या मेरे से रिश्ते बनाएगा, और फिर वो कुछ काम धंधा करेगा नहीं, बैठे रहेगा, और फिर उसका जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है वो बिगड़ जाएगा, कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो इसका इलाज करना जरूरी होगा। यूजली इसका इलाज एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, और काम पड़ा तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT से इसका इलाज हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।